आज हमारे बीच है विनोद जोशी जी, सिलंपुर विधानसभा से प्रभारी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। 2020 विधानसभा का चुनाव सरगर्मी बहुत तेजी से है, जानते हैं इस तरीके से देखते हैं। आने वाला जो चुनाव है फरवरी के महीने में 2020 में होने वाला है, और दिल्ली के अंदर जिस तरह से जनता केजरीवाल की सरकार से परेशान है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन भाजपा के होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं जन जन तक पहुंचाने में हमारे प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उनके मार्फत ही हम सब कार्यकर्ता अपने जिले के द्वारा, अपने प्रदेश के द्वारा और अपने सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जन जन तक नीतियां पहुंचा रहे हैं, जिससे जनता का बहुत बेनिफिट हो रहा है। इसलिए जो चुनाव होगा वो एक तरफा चुनाव होगा। सिलंपुर विधान सभा आज तक बीजेपी नहीं निकाल पाई, कारण मुस्लिम बहुल्य सीट का होना और साथ में बीजेपी के ऊपर हिंदुत्व का ठप्पा, इस तरीके से अपनी दावेदारी सिद्ध करेंगे। सही कहा आपने अजय भाई कि सिलंपुर विधानसभा बीजेपी आज तक, जब 1993 में पहला चुनाव हुआ था तब से लेके आज तक नहीं निकाल पाई। भिन्न भिन्न कारण रहे, मुस्लिम कारण भी रहा, और मुझे कहने में भी कोई दिक्कत नहीं होती कि वर्तमान में आज मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हो गया है, 55-45 का रेशियो हो गया है। और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर क्या हुआ, 70 सीट में से 65 सीट बीजेपी खाते में आई, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और आप सरकार तीसरे नंबर पर चली गई। लेकिन अभी जो पोस्टर निकल रहे हैं, केजरीवाल साहब बोल रहे हैं दिल्ली में तो केजरीवाल, मतलब एक स्लोगन ऐसा दे दिया, बिजली पानी मैं फ्री कर रहा हूँ, 200 यूनिट फ्री कर रहा हूँ, लोगों को एक ऐसी आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग काम करना बंद कर दे, उसके बाद लोग चोरी करना शुरू कर दे, उसमें तो नुकसान पब्लिक का होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। दिल्ली राजधानी है और राजधानी के अंदर राजधानी के लोग भी समझदार नहीं होंगे तो कहाँ के लोग होंगे। दिल्ली के लोग सब जानते हैं ये केजरीवाल का ड्रामे, ये फर्जीवाल का ड्रामे, ये सरकार लोगों को किस तरह से लालच देकर दूसरी बार सत्ता में आना चाहती है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चुनाव में एक तरफा देखना क्या होगा, केजरीवाल का जो लोकसभा के चुनाव से अंदर हुआ था उससे बुरा हाल होने वाला है। कुछ समीकरण भी देखे जाएं अभी लास्ट लोकसभा चुनाव के, तो 2014 के चुनाव में केजरीवाल को एक तरफा वोट पड़ा और लगभग दिल्ली की सभी सीटों पर काबिज हुए, और सीलमपुर विधानसभा में अभी लोकसभा चुनाव जो समय पहले हुआ है उसमें यदि सिलंपुर विधानसभा के आंकड़ों की बात करें तो आप तीसरे नंबर पर चली गई और पहले नंबर पर काबिज हुई कांग्रेस। तो देखा जाए तो कुछ इस तरह से कहेंगे कि जो वोटें कांग्रेस से निकलकर आम आदमी में आ गई थी वो वापसी हो गई, यदि ये समीकरण बने रहते हैं तो किस तरीके से अपनी दावेदारी सिद्ध करेंगे? इस बारे में मेरा विचार जो है बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है कि 2014, 2015 और फिर 2017 और 2019 चार चुनाव हुए। चार चुनाव में आपने देखा कि भिन्न भिन्न मार्जिन से भाजपा ग्राफ अप डाउन हुआ। कांग्रेस शीला के आने से कांग्रेस अप गई, और जब शीला नहीं थी तो आम आदमी पार्टी ऊपर आई, और शीला के आने के बाद आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पहुंच गई। अब जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि अभी लेटेस्ट चुनाव जो हुआ 2019 का, उसके अंदर आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा के अंदर टॉप गई और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है, और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। और जिनकी दिल्ली के अंदर सरकार हो, उनके मंत्री भी हो, कार्यकर्ता भी हो, और वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाए, ये बात सोचने लायक होती है, क्योंकि उनकी नीतियां जनता के आधार पर नहीं बनी। जो लोग कहते थे अपने बच्चों कसम देकर खाते थे कि हम कोई फैसिलिटी नहीं लेंगे, हम गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड अपने लिए नहीं करेंगे, और वही लोग आज जो कभी जब शपथ लेने आए थे, कोई ट्रेन में आता, कोई रिक्शे में आता, कोई उसमें बैठ के आया था, आज देखिए वो मर्सिडीज गाड़ी में कैसे घूम रहे हैं। अगर इनको इंक्वायरी करा दी जाए, मैं समझता हूँ कि अरबों खरबों नहीं ट्रिलियन पति का पैसा निकलेगा, मतलब करनी और कथनी में फर्क इतना आ गया। अब रही बात हमारी आज की चुनाव की, अब हम जो चुनाव है, हमारी जो पार्टी है इस विधानसभा के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता से हैं जो बहुत साल से इस सीट पर लगे हुए हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं ये नहीं कहता कि पार्टी मुझे लड़ाएगी, किसको लड़ाएगी, जिसको पार्टी लड़ाएगी, हम तो चुनाव लड़वाने वाले रहे हैं अब तक, और जो भी कैंडिडेट आएगा हमारी पार्टी का, हम चाहते हैं कि उसको इस बार इस विधानसभा के अंदर जिता कर भेजेंगे, क्योंकि मुस्लिमों के अंदर भी हमारी सरकार ने वो काम किया जो कोई पार्टी आज तक कर नहीं सकी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबसे बड़ा जो बेनिफिट दिया है, 5 करोड़ मुस्लिम कार्यकर्ता नहीं जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए आती स्कॉलरशिप लागू कर दिया, उनको उसके लिए बहुत सारी बातें झेलनी पड़ी, लेकिन ये सत्य है। जब बीजेपी के लिए उसके जो हज पे जाते हैं, आज 2,30,000 का वीजा हो चुका है, जो कभी 1.5 लाख से ऊपर भी था, हर साल बढ़ाते हैं, 50,000 इस बार बढ़वाया, जब सऊदी अरब के प्रिंस आए उनसे 20,000 और बढ़वाया बाद में, तो ऐसे मुस्लिमों के समाज ट्रिपल तलाक। इस चुनाव में मैं देखा कि चौहान बंगरवाड़ से हमें
बहुत कम वोट मिलती थी, लेकिन पहली बार देखा मैंने कि चौहानवा गढ़वाल से हर पोलिंग से किसी पे 20, किसी पे 30, किसी पे 40, किसी पे 5 ऐसे वोट मिली, वरना इससे पहले क्या होता था, 0-0 वोट मिलती थी। ये सब क्या है? ये सब मोदी जी की नीति कमाल है। मोदी जी ने जो मुस्लिम भाइयों के लिए किया, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम भाई भी अब भाजपा को प्यार करने लगा है, और मैं समझता हूँ कि उनका प्यार हमें इस चुनाव में मिलने वाला है, और हम इस सीट को बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कर विधानसभा में अपनी जीत दर्ज कराएं। बीजेपी के किस नेता को यहाँ का दावेदार कैंडिडेट मानते हो? देखिए, दावेदार में कार्यकर्ता मेरे पास बहुत है, मेरी विधानसभा में, मुझे यहाँ पर मेरा जन्म इसी विधानसभा में हुआ है, मैंने यही पढ़ाई करी, यही राजनीति की मैंने। जब मैं कोली से चुनाव लड़ के आया था, उसके बाद से मैं लगातार एबीवी के माध्यम से बाल्यकाल से स्वयंसेवक होने के नाते मैं लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता के हिस्से से राजनीति कार्य कर रहा हूँ। आज हमारे पास इस विधानसभा के अंदर मैं नाम गिनवाता हूँ, चौधरी भंवर सिंह जिले के महामंत्री हैं, के अग्रवाल पार्षद हैं, विनोद जोशी जिला उपाध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, जावेद भाई हमारे महामंत्री हैं, पूरे हमारे अंसार भाई हैं जिले के महामंत्री हैं, नाजिर भाई हैं, अंसारी साहब एक हैं, रियासत अली हैं, मतलब ऐसे लिस्ट 20 कैंडिडेट आज इस सीट पर लड़ने को तैयार बैठे हैं। और हम ये चाहते हैं कि पार्टी जिस भी भाई को प्रत्याशी बनाएगी, हम उसको भारी मार्जिन से जिताकर विधानसभा में अपनी जीत दर्ज कराएंगे। यदि भाजपा का हाईकमान आपको मौका देती है यहाँ से सिलमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का, क्या मुद्दे रहेंगे? ये तो आपने क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन किया, मुझे भी पार्टी में कार्य करते करते मेरी लंबाई खिंच गई है। अगर पार्टी मेरे ऊपर विचार करती है और मुझे प्रत्याशी बनाती है, तो मेरे पास इतने मुद्दे विधानसभा के लिए है, क्योंकि मैंने यहीं पर मैं पैदा हूँ, यहीं पर पढ़ाई की मैंने, यहीं राजनीति कर रहा हूँ। मैं एक मुद्दा दिखाता हूँ, जैसे मुस्लिम समाज के अंदर चौधरी मदीन साहब 5 बार के MLA रहे, लेकिन 5 बार MLA रहने के बाद भी इस क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। आज गलिया के अंदर आप चल जाए, जाफराबाद के अंदर चल जाए, चौहानबागर के अंदर चल जाए, गौतमपुर के अंदर चल जाए, मौजपुर के अंदर चल जाए, जब से चौहान साहब यहाँ से गए थे, चौहान साहब के जाने के बाद इनको 12-13 साल हो गए भाई मदीन साहब को जब इधर विधायक रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्षेत्र की दुर्दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना फंड होता है MLA के पास में लगाने के लिए, जगह कम पड़ जाती है, लेकिन पता नहीं कौन सी नीति रही, कौन से कारण रहे, मैं नहीं समझता कि 22 साल कम नहीं होते, कहते हैं कि कूड़े के दिन भी 12 साल के होते हैं, ये 22 साल। रही बात अब प्रचंड के MLA की, हम बात करें प्रचंड के जो MLA हैं भाई सराज खान, वो बेचारे अनपढ़ MLA हैं, मैं उनकी गलती नहीं निकालता, उनकी पार्टी ने बनाया, जनता जिता दिया, लेकिन हमें क्या मिला? जिस बात को लेके 22 साल हमने यहाँ पर दुख भोगा, वही 5 साल, हम 4.5-5 साल 5 साल हो गए हम वही भोग रहे हैं, उसको करना आता ही नहीं। वो कहता कि जा क्या करना है, साइन करना है, साइन करता था बस खाली। अरे भाई MLA तो लेजिस्लेटिव असेंबली का वो हो, जो नियम बनाता हो, जो कानून बनाता हो, उसके पास वो अधिकार होते हैं। आप कानून बनाइए, क्षेत्र के अंदर विकास कीजिए, हमारे क्षेत्र में इतनी जगह पड़ी है, अरे कॉलेज बना दीजिए आप, इतनी जगह पड़ी है, लाइब्रेरी बना दीजिए आप, इतनी जगह पड़ी है, इतने सेंटर आप बुजुर्ग के लिए सेंटर बना दीजिए आप, बच्चों खेलने के लिए एकेडमी बना दीजिए आप, और दुनिया भर के यहाँ पर काम हो सकते हैं। 22 साल उसने नहीं किया, 5 साल इसने नहीं किया। अगर मुझे मौका अपनी पार्टी देती है, मैं दिखाऊंगा कि मुस्लिम भाइयों के अंदर मेरा कितना प्यार है। मैं जब से होश संभाली है, मैं मुस्लिम समाज में ही काम करता हूँ, पार्टी के अंदर तो मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन भाजपा की तरफ से मैं एक नुमाइंदा बनकर मुस्लिम भाइयों के अंदर काम करता हूं। अगर आपको यकीन है तो मेरे बारे में कभी मुस्लिम समाज में जाना और पूछना विनोद जोशी क्या पोजीशन है, वो लड़का कैसा है, वो कार्यकर्ता क्या करता है। मेरा राजनीति ही काम है, कोई भी आ जाए मैं कभी मना नहीं करती, मैं उसके लिए टाइम निकाल के, चाहे वो थाने काम हो, जलबोड़ काम हो, पुलिस का काम हो, मैं हमेशा उसके साथ जाता हूँ, उसको काम कराता हूँ। मैंने अपने क्षेत्र में, मेरे पास कुछ नहीं है, 1000 रुपये पेंशन बनवा रखी मैंने, 1000 राशन कार्ड बनवा के मैंने, EWS वाले पीले वाला कार्ड बनवा के मैंने, जब तक मेरा यहाँ पर MLA था साहब चौहान, मैं आज उस आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ और नमन करता हूँ कि उनके रहते इस क्षेत्र का इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन जब वो चले गए उसके बाद 12 साल मतीन साहब और 5 साल ये
इन्होंने कुछ नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया, जो उन्होंने काम कराए थे उसको भी मिट्टी मिला दिया। मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, मुझे टिकट देती है, मैं मुस्लिम समाज नहीं अपने हिंदू समाज के अंदर भी, पूरी विधानसभा के अंदर भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करूंगा और दिखाऊंगा कि यही आदमी जो MLA बन गया, जो MLA पहले थे उसमें इसमें कितना फर्क है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से।